जी, आपका नाम? मेरा नाम श्वेता है, मैं विलेज रुचिया पोस्ट डिग्री जिला फतेहपुर की रहने वाली हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, मैं अभी प्रेजेंट में लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हूँ जिया श्रीराम मेडिकल कॉलेज से। जी कानपुर से। आपको श्वेता जी दिक्कत कब हुई थी सबसे पहले? मुझे 2021 में हुई थी लीवर प्रॉब्लम, पेट पेट में दर्द अचानक में हुआ था दर्द हुआ आपको। था। कहाँ हाँ, दिखाया था सबसे पहले आपने? मैंने कानपुर। कानपुर में दिखाया था, गुरुदीप डॉक्टर जी को जी, दिखाया था, तो उन्होंने क्या बताया? वही उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया था, कितने दिन? वही 5 महीने। 5 महीने। कुछ जी आराम मिला था वहां से? हाँ, आराम मिला था, लेकिन उसके बाद कुछ महीने बाद फिर से रिपीट हो गया यही चीज। फिर से दिक्कत होने लगी हाँ, थी आपको, तो फिर कहाँ दिखाया आपने? फिर मैंने यही जहानाबाद में दिखाया। जहानाबाद में। आप हाँ, अपने लोकल में ही अपने दिखाया था, लोकल में तो ही दिखाया मैंने। वहां पे क्या डॉक्टर ने बताया आपको? वहां पे बोला कि तुम्हें टाइफाइड मतलब बुखार भी रहता था, काफी दिनों से रहा। उसके बाद उन्होंने भी लीवर का ही ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने 5 से 6 महीने ही ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मैं फिर से ठीक हो गई, फिर जी, से अभी प्रेजेंट में यही 2 महीने से पहले से मुझे दिक्कत थी। उनको क्या समस्या थी? फिर शुरू हो हाँ, जाती फिर है। शुरू हो जाती है। फिर आप 2 महीने बाद, पहले जब दिक्कत हुई थी तो फिर से गुरुदीप डॉक्टर को ही फिर दिखाया से था मैंने आपने, वही दिखाया गुरुदीप था। जी को, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया गया हाँ, था, तो उसमें क्या दिक्कत बताई थी डॉक्टर ने? वही मेरी आंतों में सूजन आई थी और लीवर दिक्कत आया लीवर था। में दिक्कत हाँ, बताई थी, तो फिर कितने दिन इलाज चलाया उनका? वहां मैंने 1.5 महीने किया, तो आंतों की सूजन तो चली गई थी, लेकिन लीवर वाली प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। दर्द जो था 2-3 महीने से, तो वो नहीं जा रहा वो नहीं था। जा रहा था, वो नहीं, दवा के बाद भी नहीं जा रहा हाँ, था नहीं जा आपका, रहा तो था। फिर उसके बाद में और कहीं दिखाया? नहीं, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया। आपको यहाँ आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में कैसे पता चला था आपको? मुझे मेरे गांव के लोग हैं सौरभ चाचा, उन्होंने यहाँ पे दिखाया था, वो ठीक होके चले गए, तो उन्होंने बताया था मुझे। काफी समस्या थी उनको जी, और वो वो भी एडमिट एडमिट भी रहे रहे घर थे पे। यहाँ पे हाँ, और ठीक होके गए थे। तो फिर जब आप यहाँ पे आई थी 9-7 को, पहले आप पहले आ चुकी थी? हाँ, 9 9 तारीख को आई थी मैं। हाँ, तो इस पहले 10 दिन की दवा ले गई थी यहाँ हाँ पर, उसके बाद में फिर दोबारा अभी दिखाने आई थी, हाँ तो सर क्या बोले थे आपको जब देखा गया होगा? तो सर ने ये बोला था कि आप एडमिट हो जाओ, आपका पंचकर्मा होगा, उसके बाद ये दर्द चला जाएगा पंचकर्मा के बाद। दिन वैसा ही हुआ, मैंने यहाँ 7 दिन के लिए एडमिट हुई और मेरा पंचकर्मा चला। आज फाइनली मैं ठीक हूँ, दर्द से मुक्त हूँ। आप जिस दिन आई थी यहाँ पे उस जी दिन आपको काफी दिक्कतें थी, पेट में दर्द तो बना ही हाँ, रहता था आपको, भूख बिल्कुल नहीं लग रही नहीं थी, लग पेट रही थी। बिल्कुल लॉस होता हाँ, चला जा रहा था आपका, और 7 दिन आप एडमिट रह के चिकित्सा ली है यहाँ पे, तो अब आपको काफी आराम है पहले से, भूख भी लगने लगी है हाँ, आपको और वेट भी पहले से गेन हुआ है आपका? नहीं वेट तो नहीं गेन हुआ है, लेकिन घटा नहीं है। घटा भी नहीं है नहीं, आपका, हाँ, जितना और है उतना ही है। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी हॉस्पिटल के बारे में, सर के बारे में कुछ बोलेंगे जैसे? यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी लोग यहाँ बोलते हैं, तो जिनको दिक्कत है वो यहाँ। हाँ, मतलब मेरा मतलब यही है कि उसमें लोग अंग्रेजी दवा में लोगों को तुरंत रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन जड़ से नहीं जाता है, और यहाँ पे जड़ से जाता है।